और दोस्तों मेरे चैनल वर्कआउट सौदे में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी मसाले वाली भिंडी। तो हम आपको बताते हैं हम ये किस प्रकार से बना रहे हैं और इसमें कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए दोस्तों हमने ये भिंडी ले ली है, ये भिंडी को हमने धो के साफ करके रख लिया है, उसका पानी भी सुखा लिया है और इसके डंठल हमने काट दिए हैं देखिए। और यहाँ से हमने इस भिंडी को काटा है, इसको हमने चार भाग में काटा है भिंडी को, ये देखिए इस तरह से हम सभी भिंडियों को काट लिए हैं, ये देखिए इस तरह से काट के रख लिए हैं। अब इसमें जो मसाले हम डालेंगे बनाने के लिए वो आपको बता देते हैं। ये हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम दो चम्मच बेसन डाल लेंगे और एक चम्मच हम मैदा डाल लेंगे, ये देखिए हमने दो चम्मच बेसन ले लिया है और एक चम्मच हमने मैदा ले ली है। अब इसमें हम आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं, आधा चम्मच ही हम इसके अंदर गरम मसाला डाल लेते हैं, ये हम तीखी वाली लाल मिर्ची डाल रहे हैं आधा चम्मच, ये हम चूर मसाला डाल लेते हैं। अब इसको पानी डाल के हम घोल लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलेंगे दोस्तों। आगे इसका घोल बना के आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने पानी डाल के घोल बना लिया है। अब नमक डाल लेते हैं हम, ये हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं, नमक स्वादानुसार डालिए दोस्तों जैसा आपको पसंद हो। देखिए दोस्तों हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है और हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और हम अब इसके कुरकुरी भिंडी के पकौड़े बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम भिंडी को मसाले में डिप करके डाल देते हैं। इसी तरह से हम सभी भिंडियों को तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कुरकुरी भिंडी कितनी अच्छी सीख के तैयार हो रही है, ये देखिए इन्हें हम इसी तरह से 5 मिनट और तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी भिंडी की कुरकुरी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए ये कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। इसको दोस्तों हमने टमाटर केचप के साथ में सर्व किया है, ये देखिए। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए एकदम क्रिस्पी, ये देखिए। तो दोस्तों मेरे चैनल वाक्या स्वादे में हमने जिस प्रकार से आज ये भिंडी की कुरकुरी पकौड़े बनाए हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपने घर परिवार में सबको बना के खिलाइए, अपने बच्चों को बना के खिलाइए और इसका स्वाद लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल वाक्या स्वादे को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। तो जब तक हम नया वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए बाय बाय।